गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो क्लास चल रही थी फोर्थ यूनिट में, हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन फिक्सेशन की, यानी नाइट्रोजन यौगिकीकरण स्थिरीकरण किस तरीके से होता है, हम उस टॉपिक पर बात कर रहे थे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन था, उसमें हमने आपको बताया था, फोर स्टेप्स बताए थे कि किस तरीके से राइजोबियम, जो कि सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है, वो रूट हेयर की थ्रू, जो मेन रूट है उसमें एंटर कर जाता है, और रूट में एंटर करने के बाद में वो कॉर्टिकल सेल्स के पास में पहुंच जाता है। इस टॉपिक पर हम इससे पहले वाली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही हमने जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस चल रही थी, इसमें देखिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो हमने स्टार्ट किया था कि लेग्यूमिनसी प्लांट्स में पाया जाता है और राइजोबियम। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो लेग्यूमिनसी, ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, यहाँ पर दो केसेस हैं। एक तो राइजोबियम की स्पेशल, यहाँ पर पर्टिकुलर राइजोबियम लेग्यूमिनसी प्लांट्स को ही क्यों इन्फेक्ट करता है, उसी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम क्यों करता है, क्योंकि राइजोबियम जो है वो एक एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिविटी कर सकता है, और वो एंजाइम है नाइट्रोजिनेस एंजाइम। ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो है ये राइजोबियम के लिए सूटेबल है। वैसे राइजोबियम जो है वो एरोबिक कंडीशन में वर्क करता है, लेकिन जब नाइट्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करेगा, तो यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाती है, और वो कंडीशन एनएरोबिक हो जाती है। FIVA श्वसन की प्रक्रिया में ये काम करता है। इसका मतलब है कि जो लेग्यूमिनोसी प्लांट्स है ना, जो लेग्यूमिनोसी प्लांट से, इसमें एक तरीके का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं लैग हीमोग्लोबिन। ये लैग हीमोग्लोबिन जो है ये पिंक कलर का पिगमेंट है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है। ऑक्सीजन को ब्लॉक करेगा, ऑक्सीजन को ब्लॉक करना इसका मतलब कौन सी कंडीशन इसने क्रिएट कर दिया, एनोरबिक कंडीशन। तो जब भी राइजोबियम लैग प्लांट में एंटर करता है, लेग्यूमिनसी प्लांट में रूट्स के थ्रू एंटर करता है, तो ये लैग हीमोग्लोबिन जो है ये फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, और इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को क्या करना है, ब्लॉक करना। तो जब ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाती है तो एनोरबिक जो है एनएरोबिक कंडीशन हो जाती है, और इस एनएरोबिक कंडीशन में ही ये जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेस एंजाइम, ये वर्क करता है। तो राइजोबियम के केस में ये चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपने ये देखा कि ये जो रूट पार्ट है, इस रूट पार्ट में रूट पर क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो रूट हेयर्स हैं ये राइजोबियम जब भी नोड फैक्टर के थ्रू यहाँ पर एंटर करता है, तो ये रूट हेयर्स की क्या कर देता है, कर्लिंग कर देता है। कर्लिंग करने के कारण, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, रूट हेयर्स की ये कर्लिंग कर देता है, और अपना जो इन्फेक्शियस थ्रेड है, जैसे अगर हम इसको यहाँ पर देखें कि ये हमारा रूट पार्ट है और ये रूट हेयर की पोजीशन है, ये रूट हेयर पार्ट है, और इस रूट हेयर पर जब ये कर्लिंग करेगा राइजोबियम, तो इस तरीके से इस वाले रीजन को मोड़ देगा, ठीक है, और अपना इन्फेक्शियस जो थ्रेड है, वो जो जिसके कारण इन्फेक्शन हो रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया का, वो इन्फेक्शन वो कहाँ तक पहुँच जाता है, वो इस कॉर्टिकल सेल तक पहुँच जाता है, कॉर्टिकल बंडल्स तक पहुँच जाएगा। तो ये कौन सी सेल है, ये हमारे कॉर्टिकल सेल। रूट के केस में आपने कॉर्टिकल सेल पढ़ा ही है कि रूट में कॉर्टिकल कॉर्टेक्स रीजन है, वहाँ कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती है। तो ये जो इन्फेक्शियस थ्रेड से, इसका इन्फेक्शियस थ्रेड, ये इन्फेक्शियस थ्रेड जो है वो रूट हेयर से होता हुआ कॉर्टिकल बंडल्स तक पहुंच जाता है, और यहाँ पर ये कॉर्टिकल सेल्स के अंदर सेल डिवीजन को इनिशिएट कर देता है, सेल डिवीजन को बढ़ा देता है, और जब सेल डिवीजन बढ़ जाएगा तो यहाँ पर कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा, मास ऑफ सेल बन जाएगा, और ये जो मास ऑफ सेल बनेगा यही क्या है, हमारा नोड्यूल का फॉर्मेशन होने की प्रोसेस है, ठीक है। अब अभी तक जैसे ये राइजोबियम एंटर किया है, कर्लिंग हो गया रूट हेयर का, और इसने अपना इन्फेक्शियस थ्रेड अंदर एंटर करा दिया, तब तक ये बैक्टीरिया राइजोबियम का इन्फेक्शियस थ्रेड कहलाता है। जैसे ही ये कॉर्टिकल सेल के अंदर एंटर कर जाता है और सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है, इसके कारण बहुत सारा सेल का ग्रुप बन जाता है, और वो पूरा रूट हेयर्स के पास में ही प्रेजेंट रहता है। इस टाइम पर, इस कंडीशन में, इस बैक्टीरिया को हम कहेंगे बैक्टीरियोट्स, बैक्टीरियोइड्स।
ये कहलाएगा बैक्टीरियोइड्स। इसका मतलब है कि राइजोबियम का जो बैक्टीरिया है, इसका इन्फेक्शियस थ्रेड जो था, वो इन्फेक्शियस थ्रेड का कॉर्टिकल रीजन तक पहुंचने के बाद में सेल डिवीजन इनिशिएट करने के साथ ही अब इसे हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोइड्स कहेंगे। तो देखिए ये जो मैकेनिज्म चल रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो मोड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है ये कब एक्टिविटी करता है, जब एनारोबिक कंडीशन होती है। और ये एनारोबिक कंडीशन किसके थ्रू होती है, ये लैग हीमोग्लोबिन के कारण होती है। लैग हीमोग्लोबिन क्यों, क्योंकि लेग्यूमिनोसी प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा पाया जाता है, और वो इसीलिए पाया जाता है क्योंकि लेग्यूमिनोसी प्लांट्स की रूट में लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और ये लैग हीमोग्लोबिन जो होता है, ये ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है। तो ये रीज़न, ये आपको समझ में आ गया होगा कि लैग हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देगा जो कि वहाँ प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। तो वहाँ पर वो एनारोबिक कंडीशन को करता है, तब राइट जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी हो पाती है एनारोबिक कंडीशन होने के बाद ही। लैग हीमोग्लोबिन जो है वो मॉलिब्डेनम फ्लेविनॉइड जो है उसकी प्रेजेंस को भी दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो कब एक्टिविटी कर रहा है, एनारोबिक कंडीशन होने पर। ये जब इस तरीके की प्रोसेस करता है, इस तरीके की कंडीशन को क्रिएट करता है, तो कुल मिलाकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन होने की जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले होगा नोड्यूल का फॉर्मेशन। तो अभी इससे पहले वाले वीडियोस में हमने आपको बता दिया है कि नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। राइजोबियम जो है वो अपना इन्फेक्शियस थ्रेड रूट हेयर की हेल्प से कॉर्टेक्स रीजन तक, कॉर्टिकल सेल्स तक पहुंचा देता है। और वहां पर कॉर्टिकल सेल्स तक पहुंचने के बाद उस इन्फेक्शियस थ्रेड से कॉर्टेक्स रीजन की जो सेल होती है उनमें सेल डिवीजन इनिशिएट हो जाता है, और वो कंटिन्यू डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है और कंप्लीट रूट हेयर के पास में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कर देती है। नोड्यूल का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। इसके साथ ही नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है। नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस का मतलब है क्योंकि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को प्लांट्स एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको इसी एकदम से नहीं ले पाते, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसमें अलग अलग एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है। तो जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में ब्रेक डाउन होती है, उसका रिडक्शन होता है, वो प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। और उसके बाद में होती है अमोनिफिकेशन, क्योंकि अमोनियम आयन्स जो हैं उनकी प्रेजेंस में अमोनिया एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, और अमोनिया एसिड्स को ही प्लांट जो है वो इनटेक कर पाते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले नोड्यूल फॉर्मेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन सेकेंड प्रोसेस। अब ये जो हमारी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जो नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर है उसमें ट्रिपल बॉन्ड्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, हमें बहुत सारी ATPs चाहिए होती हैं ये ब्रेक डाउन करने के लिए, इन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एक एंजाइम्स के साथ में जब एनारोबिक कंडीशन होती है तब ये आकर के अटैच्ड हो जाते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल किसके साथ, नाइट्रोजिनेज के साथ में। तो ये हमारा नाइट्रोजिनेज का एटम है और नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, और इसके साथ में ये दोनों नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल जो है आकर के अटैच्ड हो गए। अब यहाँ पर जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड्स हैं इन बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तब हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर ऐड हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर 1 by 1 ये बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है एक एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ आकर के अटैच हो जाता है, और ये हमारा नाइट्रोजनेज एंजाइम यहाँ पर है। तो इस तरीके से जैसे ही ये ब्रेक होते हैं, इसमें ATPs ज़्यादा चाहिए होती है, 1 by 1 ब्रेक डाउन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो यहाँ पर जुड़ते चले जाते हैं। इसके कारण ही ये 2NH3 का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा नाइट्रोजनेज, ये हमारा नाइट्रोजन का एटम, और इसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए उसके साथ ये
हाइड्रोजन एटम्स यहाँ जुड़ गए हैं, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये हाइड्रोजनेस एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ में अटैच्ड हो जाते हैं। तो ये है हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस, जिसमें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का कन्वर्शन होता है अमोनिया के अंदर। अगर हम इस कंप्लीट प्रोसेस को एक इक्वेशन से समझना चाहें, एक समीकरण से इसको डिफाइन करना चाहें, तो ये है हमारी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, जिसमें हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन होंगे इसके साथ ही 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और साथ में हमें एनर्जी चाहिए 16 ATP, क्योंकि बॉन्ड्स के ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट किस में हो रही है, अमोनिया के अंदर। इसके साथ ही ATP में फास्फेट ग्रुप जो है वो रिलीज हो जाता है एक, और 16 ADP में कन्वर्ट हो जाती है, साथ ही हाइड्रोजन भी रिलीज होती है। इसी के साथ अगर हम इस रिएक्शन को इस तरीके से लिखें, तो ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन, और उसके साथ 16 ATP, ये मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो दो अमोनिया का जो है मॉलिक्यूल उसका फॉर्मेशन ये करते हैं।